हेलो फ्रेंड, शशि शर्मा की रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी स्टाइल का सरसों का साग। अब सरसों के साग में क्या क्या चीज़ें डलती हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी, उसको कैसे तरीके से बनाया जाता है। तो हम सबसे पहले लेंगे सरसों, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। सरसों का जो मार्केट में जो गड्डियाँ मिलती हैं वो गड्डी के हिसाब से मिलती हैं। तो एक गड्डी सरसों अगर आपने लिया है, गड्डी का साइज अलग अलग समय पे अलग अलग आता है ना, तो आजकल जो सरसों का साइज़ का गड्डी का तो थोड़ा छोटा आ रहा है। तो मैंने एक गड्डी सरसों के लिए ये इसको मैंने साफ़ कर लिया है। इसमें क्या साफ़ करते समय ध्यान रखने की जरूरत है, पूरी गड्डी को खोल के, गीला ना हो खरीदते समय ध्यान रखें। अगर गीला तो उसको खोल दें घर में आते के साथ ही, और उसको आगे से तोड़ लें। आगे जो उसकी जो जड़ सहित होती है, कई बिना जड़ की होती है, तो आगे का पोर्शन जड़ की सहित है या बिना जड़ की, ये ध्यान रखें आगे से तोड़ने में। और गंदे पत्ते उसके सारे अलग कर दें कि वो ऐसे ऐसे जो आगे से ना ऐसे टूट जाए। जहाँ तक ये ऐसे टूट रहा है आसानी से, तो समझो कि वहाँ से ऊपर नहीं तोड़ना है। जहाँ तक नहीं टूट रहा आसानी से, वहाँ तक तोड़ना। अभी ऐसे आसानी से टूट रहा है यानी कि ये कच्चा है ऊपर का पोर्शन, क्योंकि इसकी जो डंडियाँ हैं जो इसके ये इससे फ्लेवर आएगा पत्तों से, इससे टेस्ट ज़्यादा आता है। डंडी वाला जो होता है ना, ये इसको ये पोर्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंदर, और पत्तों से फ्लेवर आता है भुज के। तो ये हो जाता है थोड़ा सा हो जाता है, मतलब उबलने के बाद में बॉइल करते हैं तो बहुत कम हो जाता है, पहले स्टार्टिंग में ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको साफ करें। आगे से जो पक्का है जो तोड़ दें, जहाँ तक कच्चा है उसको फिर छोड़ दें। बाकी जो भी कुछ है उसके अंदर, कहीं कोई गंदा पत्ता कुछ है, मैंने सब साफ देखा, मैंने सब साफ कर लिया है, इसमें कहीं कुछ भी नहीं है। मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ करा है, इसको दो दो बार चेक किया है। ठीक है, तो सफाई का थोड़ा ध्यान रखें, नंबर टू। फिर इसमें डलेगा उसके साथ में पालक। ठीक है, अब हमने एक गड्डी पालक लिया है सरसों, अगर हमारी एक गड्डी है मोटी या छोटी, उसके साथ मतलब जितनी हमारी सरसों है कायदे में हमें उसका हाफ से भी कम पालक लेना चाहिए। पालक इतना ना हो कि बहुत बराबर हो जाए या ज़्यादा हो जाए, क्योंकि पालक का फ्लेवर और पालक का जो ये चिकनापन है ना, लेसीपन जो ना, वो बहुत हावी हो जाता है साग के ऊपर, यानी इतना ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और उसका टेस्ट सारा पालक का ही आने लगता है। तो पालक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता पंजाबी स्टाइल के साग में, नहीं डाला जाता। तो पालक को लें, और पालक को भी तोड़ते समय, आजकल बहुत ही अच्छी क्वालिटी का साग आ रहा है मार्केट में, ताज़ी फ्रेश बिल्कुल, पालक भी बथुआ सब चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। तो पालक में तोड़ते समय भी ध्यान रखें कि कच्ची डंडियाँ आगे से तोड़ दें, चक्कू से काट दें। तो फिर क्या होगा, वो जो पक्का पोर्शन है, जो डंडी ज़्यादा हार्ड है कुछ है, उसको ना डालें। लेकिन ये भी ध्यान रखें कि डंडियाँ पूरी ख़त्म ना करें, ऐसा ना हो कि बिल्कुल पत्ता ले लिया सारी डंडी तोड़ दी, क्योंकि इसका जो ये जो डाली ये डंडी है ना, इन्हीं सब चीज़ों में इनका फ्लेवर होता है, पौष्टिकता इन्हीं के अंदर होती है ज़्यादा, चाहे वो पालक है, मेथी है, बथुआ है, जो भी कुछ हर कर, बस पक्का ना लें। जो पक्का है पके को हटा दें और कच्चे को उसको इसी में रखें। ठीक है, तो ये मैंने पालक लिया है, और आजकल अभी बथुआ नहीं मिल रहा था, अगर बथुआ मिल रहा होता तो उसका मैं बस थोड़ा सा इतना सा बथुआ डालती इसमें, जैसे कि मैंने ये समझो कि इतना बथुआ ले लिया, थोड़ा सा ही डलता है इसमें, क्योंकि बथुए का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा आता है, वो सारे में फैलता है, उसको बहुत कड़वा और खारा खारा ऐसे टेस्ट हो जाता है उससे, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं डाला जाता बथुए को भी हिसाब से। चना है तो चना भी थोड़ा सा ही डलेगा, इतना सही, उसको भी ज़्यादा नहीं डालना, है ना, सब मिक्स साग जो बनाते हैं। अच्छा, ये पालक हो गया, अब रही मेथी भी कम ही डाली जाएगी, मेथी ज़्यादा ना डालें। अगर आपने मेथी को भी फ्लेवर के लिए डाला जाता है, ऐसे टेस्ट मिक्स होके अच्छा आता है सब साग का मिलके। और अगर मेथी देखो मेथी है, मेथी की डंडियाँ, तो हम इसको मेथी को भी ऐसे ही तोड़ेंगे कि डंडी कच्ची है बिल्कुल टूटी है, तो ऐसे ये नहीं कि पत्ते तोड़ लिए और डंडी सारी स्टैंड तो सब फेंक दी इसकी, नहीं वो बिल्कुल नहीं करना, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, है ना, उसका सारा टेस्ट खो दिया आपने, सारे उसकी पौष्टिकता खो दी आपने, ये समझ लो। तो इसलिए ऐसी गलती ना करें, उसको सफाई करते समय ध्यान रखें, कोई भी पत्ता गला हुआ है, सड़ा हुआ है, कटा फटा है, छेद है, उस पत्ते को ना डालें, उसको बाहर कर दें, और बस कच्चा है टूट रहा है आसानी से तो समझो कच्चा है, उसको उसके अंदर डाल दें। मैं ये भी नहीं कह रही बिल्कुल पक्का वाली डंडी नहीं डालनी है, कच्ची डालनी है, ये ध्यान रखना है, बिल्कुल कच्ची वाली डालनी है, पर पूरी तरह ये नहीं करना, पूरा ऊपर तक सारा तोड़ देते हैं लोग, और खाली पत्ते गोल गोल ऐसे करेंगे, ये पत्ते ऐसे देखा मैंने लोगों को करते हुए, ऐसे करेंगे ये डालेंगे और सब फेंक देंगे, अरे उसमें रहा ही नहीं कुछ भी, क्या कर रहे हो आप, ये पूरा डालो भाई, इसको बारीक कटिंग कर लो, इसको उबल जाएगा ना साग में, तो वैसे भी है तो हम तो वैसे सारा बॉयल होकर सब मिक्स हो जाता है, इसमें कुछ नहीं, कुछ इसमें डंडी दिखती नहीं है, सब पिस जाता है।
ठीक है। तो इस तरीके से ये रेसो तैयार करें, चारों चीजों का, चना है थोड़ा सा वो भी, तो ये सब चीजें को अच्छे से रहे, पहले कम से कम 2 से 3 बार धोएं, साबुत ही धोएं, काट के बिल्कुल ना धोएं, क्योंकि अगर आपने पहले इसकी कटिंग कर ली और उसके बाद आपने सोचा कि अब हम इसको धो लें, तो देखो आपने इसकी सारी पौष्टिकता को पानी में बहा दिया, समझ रहे हो। इसलिए ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। तो पहले उसको धोगे अच्छे से, मैं 3 बार इसको कम से कम 3 बार धोऊंगी साबुत को ही, जिससे ये अच्छे से साफ हो जाए, धो के और बड़ी परात में लगा के पानी तिरछा और इसको रख दूंगी, और 3-4 घंटे बाद फिर शाम को फिर इसको जब मैं इसको बनाऊंगी, ठीक है। अब इसमें और क्या क्या डालते हैं, ठीक है, धो के इसको रख दिया एक तरफ, ठीक है, और फिर इसके अंदर मैं डालूंगी, जब कुकर में इसको डालूंगी कटिंग करके, तो फिर मैं इसमें डालने के लिए साथ में डालूंगी ये चने की दाल, 1 चम्मच चने की दाल डालूंगी। अगर साग की क्वांटिटी कितनी है उसके हिसाब से, मेरे लिए इसे कम ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने 1 चम्मच लिया है। इसको मैं अभी भिगो के रख दूंगी, इसको फुलो के रख दूंगी पानी में, तिटाटे फूला रहेगा तो ये साग के साथ में तो बहुत जल्दी गल जाता है, तो इसमें पानी डाल के फुलो के और मैं इसको रख दूंगी ये शाम तक, जब तक मेरा साग बनाने का टाइम होगा, 2-3 घंटे हैं, तब तक ये फूल जाती है। चने की दाल थोड़ी हार्ड होती है, वैसे साग में गलने में दिक्कत करेगी, इसलिए फूल के अच्छी रहेगी, इसलिए इसको ऐसे रख दो, ठीक है। ये डालूंगी धो के इसमें चने, और साथ में जब मैं डालूंगी चढ़ाऊंगी इसमें थोड़ा नमक डालूंगी, और फिर थोड़ी हरी मिर्च डालूंगी। हरी मिर्च को मैंने मोटा मोटा ऐसी रफली काट लिया है, इसमें जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा वो करने की, क्योंकि बाद में सबको पीसना है, ये गल जाती है सब, तो इन्हें सब मिक्स करके कुकर में डाल दूंगी, और कुकर में डाल के और दाल, हरी मिर्च, ये सारा साग जो सबको कट करके, इसको मेरा काटने का तरीका अगर मैं दिखाऊंगी तो मेरे पास काटने के तरीके कई सारे हैं, वो देसी तरीका है पुराना जो हमारी दादी नानी काटती थी, उस तरीके से भी काट सकती हूँ मैं। आप बताने कि कैसे कटेगा, देखो ये है ना, ये देसी जुगाड़ है, इसको ऐसे रखो पैर रख के, और मैं इसको आसानी से इसको इतना बारीक काट सकती हूँ बहुत ज़्यादा, जो वैसे आजकल चोपर पे उस पर किस पे नहीं कटता, इससे सबसे बेस्ट और सबसे कम समय में काम होता है, और बहुत ही फास्ट काम होता है, बहुत ही अच्छा काम होता है। अच्छा, मुझे मेरे को इसकी आदत है, लेकिन मैं दूसरे जो चॉपबोर्ड वगैरह पे उस पर भी काट लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें वो ज़्यादा उसमें फैलता है, जगह ज़्यादा चाहिए, इसमें थोड़ी सी जगह में काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, ओके। तो आपको जैसे सही लगे आप वैसे काट सकते हैं, जैसे अभी आपको आता है, उसमें इतनी ज़्यादा बारीकी से सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे कुकर में बॉईल करना है और उसको सीटी लगानी है, फिर अपने आप से सब मिक्स हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। जब सीटी लगा के समय से रख देंगे आप, 3-4 सीटी लगाएं, उसके बाद गैस बंद कर दें, फिर कुकर को ठंडा होने दें, थोड़ी देर बाद सीटी ख़त्म हो जाती है उसको खोल दें और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, ठंडा होने के बाद उसको मिक्सी में पीस लें, मिक्सी के बड़े वाला जार यूज करें, जो मिल्क शेक वगैरह बनाने वाला जार होता है उसको यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा कम कम मात्रा में हाफ करके, क्योंकि एकदम से वो उसका पानी ना डालें उसमें पीसते समय, थोड़ा मतलब पानी अलग कुकर में थोड़ा तिरछा करके निकाल लें, जिससे क्या उसमें लिक्विड ज़्यादा ना जाए और पोलो ना हो, और पीसते समय बहुत ज़्यादा इसको चटनी की तरह ना बनाए, पंजाबी स्टाइल का साग बनाने के लिए चटनी की तरह, यानी बहुत ज़्यादा बारीक पीसने से ना उसका टेस्ट में इतना अच्छा आता नहीं है, और वो अलग फ्लेवर हो जाता है उसका, इसलिए थोड़ा सा हल्का सा मतलब रहने दें ऐसा, कि बहुत ज़्यादा चटनी की तरह बारीक ना करें, थोड़ा सा पहले उसको बंद कर दें, मिक्सी को निकालते चले जाएँ कुकर में डाल के, फिर सारा मैं पूरी रेसिपी आपको ओरली बता देती हूँ, क्योंकि अभी धुलेगा बनेगा फिर वो दोबारा से उसके उसमें ऐड करनी है मेरे को, तो फिर उसको मैंने मतलब जैसे ठंडा हो गया पीस लिया, पीस के वापस कुकर में सारा मैंने डाल दिया, कुकर के नीचे गैस चला दी, फिर उसका रेसो चेक करो कि अभी इसको हमें कितना गाढ़ा रखना, कितना पतला, आपको कैसा पसंद है, आपको थोड़ा टाइट पसंद है यानी थोड़ा गाढ़ा पसंद है, या थोड़ा पतला पसंद है, जो पंजाबी स्टाइल का साग होता है थोड़ा गाढ़ा होता है, वो पतला नहीं होता है ना, ये ध्यान रखें, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी ना डालें, जैसे उसमें बॉयल आने लगे उसको उतना ही कुकर आप जो पानी उसके अंदर होता है साग के अंदर जब चढ़ाते हैं तो जब ज़्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो पानी खुद ही छोड़ देता है, साग गीला होता है इसलिए, तो उसमें थोड़ा सा पानी डालें क्योंकि दाल भी डाल रहे हैं, तो ज़्यादा ना भरें कि कुकर पर भारी आने लगे सीटी की तरह, पानी उसमें ज़्यादा ना डालें, ज़्यादा ज़्यादा आप इसमें 1 कप पानी डाल दें, उससे ज़्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि साग गीला है और दाल डलिए इसलिए वो सबको सोख लेगा पानी को, ठीक है। तो फिर उसको अच्छे से पीस के दाल के कुकर में
और उसमें उसको बॉईल कर लें अच्छे से, उसमें नमक चेक कर लें नमक ठीक है क्या, फिर उसको अच्छे से गैस को धीमा कर दें क्योंकि वो छीटे छीटे होकर बाहर आता है। ढक्कन ढक के ऊपर से कुकर में सीटी ना लगाएं, ये ध्यान रखें, कुकर को ऊपर को ढक्कन को ऐसे ऊपर से ऐसे ढक दें थोड़ा सा खुला, और ध्यान रखें गैस को सिम कर दें, बीच बीच में चलाते रहें कि लगे ना वो, और जब तक वो साग में इतना उबाल ना जाए कि वो ऐसे ना उछटने लगे छीटे, तब तक उसको उबालते रहें, और गैस को बिल्कुल भी तेज ना करें, धीमी गैस रख के भूल जाओ उसको, ज़्यादा वो मत करो, मंदी गैस पे धीमी पे रख दो, जैसे लगता है कि हाँ बॉयल आ गया है इसमें, अच्छे से बीच बीच में चलाते रहें, और दूसरी तरफ उसका तड़का तैयार कर लें, ठीक है, फ्राई पैन में अलग से या कढ़ाई में, फ्राई पैन में इसमें जो तड़का लगाएं हमेशा देसी घी का लगाएं या मक्खन का लगाएं। देसी घी में पहले देसी घी डालें, जीरा डालें, हींग डालें, है ना, वो सब, अगर आप लहसुन खाते हैं तो लहसुन को क्रश कर लें, या पेस्ट है तो पेस्ट करके डाल लें, लहसुन है अदरक है अगर खाते हैं तो वो सब चीज़ें वो चीज़ें डालें, फिर हम टमाटर का तड़का लगाते हैं इसमें सब, वो दाल का गोल्डन ब्राउन करके और उनको फिर उसके अंदर थोड़ा फिर टमाटर डाल दें, आपको अच्छा टमाटर के साथ में ये सब चीज़ें डाल के तड़का लगा खाते हैं ना बहुत टेस्टी लगता है, तो ये सब अच्छी तरह के उसको मैश कर लें टमाटर को, जैसे तड़का तैयार करते हैं अच्छे से पका लें, और उसमें आपको लाल मिर्च मिर्ची तीखी खानी है तो उसमें थोड़ा लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ी सी हल्दी ऐड करें, ज़्यादा हल्दी ना डालें, जितना टमाटर डालें उतना ही, ज़्यादा हल्दी की इसमें ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये सब चीज़ें अच्छे से तैयार करके अदरक लहसुन सब कुछ डालना अच्छे से इसमें, थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा अगर आपको अदरक लहसुन का टेस्ट है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना साहब जो इसको कहते हैं ये फ्लेवर लेस आपको लगेगा बाद में, तो इसमें अच्छा फ्लेवर अपना टेस्ट अच्छा लाने के लिए सब चीज़ें ज़्यादा डालती हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है, तो इसलिए टेस्ट को चेक करते हुए डालें कि जैसा आपको चाहिए उसके हिसाब से, फिर उसको उसमें डाल दें तड़के को मिक्स कर दें, एक बॉल वाला और आने दें, और फिर उसको बाद में गैस को बंद कर दें। जब आप देखेंगे कि आपका साग ऐसे अगर आप रख रहे हो या आप प्लेट में कटोरी में किसी में डाल रहे हो तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ऐसे पानी जैसे छोड़ रहा है, नहीं, अगर पानी जैसे छोड़ रहा है तो इसका मतलब आपने पकाया नहीं है अच्छे से, साग अच्छे से पका नहीं है अभी, है ना, तो वो चीज़ तो पहले ही तड़का डालने से पहले ही चेक कर लें, बिल्कुल थिकनेस अच्छी होती है, ऐसी होती है कि प्लेट में रख देते हैं तो ऐसे फैलता नहीं है जल्दी से, हल्का सा जैसे लसलसी सी सब्जी होती है ना इस टाइप से तैयार होता है वो, इस टाइप का। अच्छा उसके बाद में फिर उसको ठंडा करके, बहुत लोग बहुत ही स्वाद से होटल में मिल रहा है आजकल साग सब जगह होटल, मक्का की रोटी, फिर मैं किस दिन मक्का की रोटी बनाऊंगी तो अभी आपसे शेयर करूंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसी मक्का की रोटी बनती है, वो रेसिपी आपको बताऊंगी, थैंक यू, अभी मैं बाकी करूंगी तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तो फिर आगे का साग बनाऊंगी तो तब मैं दिखाऊंगी उसको, ठीक है, थैंक यू, वेलकम।